नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी को शुभाशीष। बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि बच्चे अब स्कूल आ गए। हम खुश हैं क्योंकि हमारे बच्चे, प्रभु से प्रार्थना है कि जल्दी ही हमारा प्राइमरी क्लास भी स्कूल में आ जाए। अभी सभी अपना अपना ध्यान रखें। हम टीवी जी जाखल में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए नए प्रयोग भी करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े। उसी का एक नया आयाम है BLJ DAV सेंट्रली पब्लिक स्कूल की एप्लीकेशन। अब जितना भी काम होगा बच्चों का, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू होगा और बहुत सारी चीजें इसी एप्लीकेशन के थ्रू होंगी, चाहे वो वीडियो अपलोड हो, चाहे वो हॉबीज हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो। और लगातार आपको जितनी भी नोटिफिकेशन मिलेंगे वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलेंगे। आप सबके सहयोग से ये सब संभव है, आप सबके सहयोग से ही ये हो रहा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन आपकी है, संस्था की है, और ये इंस्टीट्यूशन आपके लिए तो बच्चे बनेगा। हमारा मेन ध्येय ही शिक्षा है। नई शिक्षा पद्धति के चलते जितने भी और एस्पेक्ट्स या आयाम एजुकेशन सिस्टम में जुड़ेंगे, उसकी लगातार आपको सूचना मिलती रहेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन होना, ये आज के सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। और मुझे गर्व है कि आप सबके सहयोग से हम आपको हर छोटे छोटे पहलू पर इन्फॉर्म करने में काम। उसी की नेक्स्ट जो सीढ़ी है वो है ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में जितने भी फीचर्स हैं, उसकी ट्रेनिंग आपको और बच्चों को लगातार दी जाएगी। इस एप्लीकेशन में साइबर सेफ्टी का स्पेशल ध्यान रखा गया है। इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी आप चाहें 24 घंटे के अंदर अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की ये खासियत है कि जब भी कोई टीचर लेक्चर डालेगा, जब तक वो बच्चा पूरा लेक्चर नहीं डालेगा, तब तक उसकी अटेंडेंस नहीं रहेगी। इस एप्लीकेशन की ये खासियत है कि यदि आपने बच्चे को एक फोन दिया है, उसको YouTube या WhatsApp खोलने की जरूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ ये एप्लीकेशन ही खोलनी है। और किसी भी टाइम आप इस एप्लीकेशन को खोल के चेक कर सकते हो कि क्या आपके बच्चों ने आज जो वीडियो देखनी थी वो देख ली या नहीं, क्या आपके बच्चे ने जो होमवर्क उसको दिया था वो कर लिया या नहीं। मुझे आशा है कि इस एप्लीकेशन से हम बच्चों की एक तो शिक्षा की निरंतरता और एक शिक्षा के जो नए नए आयाम अब जुड़ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, हम उस पर खड़े हो। लेकिन ये सब आपकी सहायता के बिना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बच्चों पर नजर रखनी है, मैं ये कह रहा हूं कि हमें बच्चों के साथ एक डायलॉग स्थापित करना। हमें पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जो दूसरी सबसे बड़ी अड़चन बच्चों की, इंडिपेंडेंस इन स्टडीज, या जिसको हम कह सकते हैं कि पढ़ाई में स्वायत्तता, एक तरह से आजादी, उसकी जो मेन हर्डल है वो ट्यूशन है। क्योंकि ट्यूशन रट्टे पे बेस्ड होती है। ट्यूशन किसी भी बच्चे को सेल्फ स्टडी मोड पे आने नहीं। मुझे आशा है जो जाखल मंडी अपने अपने स्कूल लिए भी जाखल का सपोर्ट करती है, वो हमारे लिए एक प्रभु के आदेश की तरह। और वो हमें आदेश ये कहता है कि हम जिंदगी में बढ़ते रहें, टेक्नोलॉजी की बुलंदियों को छूते रहें, बच्चों को उनके शिक्षा के नए नए आयाम देते रहें और उनकी एक ऑलराउंड डेवलपमेंट। मुझे आशा है कि हमारे इस प्रयास से हम बच्चों की शिक्षा की मॉनिटरिंग,
बहुत अच्छे ढंग से। मुझे एक बार फिर ये कहते हुए हर्ष है कि एक बार फिर डीएवी जाकर बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले इस एप्लीकेशन को लॉन्च करके आपके आपके आशा अनुसार बुलंदियों को छूएंगे। आपका सहयोग ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले समय में हम किसी भी मेट्रो इंस्टीट्यूशन से पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सभी पेरेंट्स इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से स्टडी करें। जो जिस इंस्टीट्यूशन ने हमें एप्लीकेशन दी है उस इंस्टीट्यूशन के जो ट्रेनर हैं उनका नंबर हमने हर ग्रुप में डाला हुआ है। इस एप्लीकेशन को वही बच्चा प्रयोग कर पाएगा जिसकी एनरोलमेंट, ये बहुत जरूरी, ये कुछ कष्टदायक तो है लेकिन जब तक आप मुझे आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे मैं आपकी स्थिति को समझ नहीं पाऊंगा, चाहे कोई भी। तो जब तक किसी बच्चे का एनरोलमेंट नहीं होगा इस ऐप को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लासेस के साथ साथ भी ऑनलाइन और लाइव क्लासेस और लेक्चर्स चलते रहेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये इंस्टीट्यूशन आपका है, इसलिए चाहे महीने के अनुसार, चाहे 3 महीने के अनुसार, जिस वक्त तिमाही या आपके लिए जैसे भी आपका सिस्टम बनता है उसके हिसाब से आप हर महीने 20-10 तारीख से करेंगे। क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, एक इतने बड़े सिस्टम को चलाने रेवेन्यू या फीस का, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ब्रजलाल जिंदल डीएवी का आपकी सभी आशाओं पर, धन्यवाद, शुभ आशीष।